गुड इवनिंग ऑल डियर स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग सर। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 10 के 6th चैप्टर द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, उस चैप्टर का पहला भाग हम लोग देखे थे और उस पर चर्चा किए थे। आज हम लोग का दूसरा दिन है और नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखते हैं और ये लास्ट पार्ट होगा, ठीक है। हम लोग कहाँ तक देखे थे कि जब वो सेकेंड ग्रेड में थे तो अपने आसपास जो उनका 25 तरह का बटरफ्लाई था वो सब जमा कर लिए थे और कुछ दिन के बाद क्या किए, वो अपना बेसमेंट में हजारों तरह का, माने उनका बेसमेंट में जो था वो हजारों तरह के बटरफ्लाई का घर बन गया था, है ना। आगे हम लोग देखते हैं, देन इन द सेवेंथ ग्रेड ही गॉट ए हिंट ऑफ व्हाट रियल साइंस इज। तब सेवेंथ ग्रेड में जब वो सातवीं कक्षा में पहुंचे तब उनको वास्तव में पता चला कि साइंस क्या होता है। एंड ही इंटर्ड ए कंट्री काउंटी साइंस फेयर, जब एक विज्ञान मेले में उन्होंने प्रवेश किया, एक विज्ञान मेला में जब वो गए तब उनको पता चला विज्ञान क्या होता है, क्योंकि वहाँ तरह तरह के प्रयोग देखने को मिल रहे थे उनको। इट वॉज रियली ए एंड लॉस्ट, आगे भी है कि वो साइंस फेयर में अटेंड किए और एंड लॉस्ट, मतलब उनको कुछ मिला नहीं। इट वॉज रियली ए सेड फीलिंग टू सीट देयर एंड नॉट गेट एनीथिंग वाइल एवरीबॉडी एल्स हैड ऑन समथिंग। एब्राइट से, एब्राइट ने कहा कि वहाँ पर जाना, कहाँ, विज्ञान फेयर में जाना और कुछ नहीं लेके आना, मैंने कुछ भी नहीं मिला, जहाँ पर हर किसी को कुछ ना कुछ मिल रहा था, उसके साइंस प्रोजेक्ट के लिए कुछ ना कुछ मिल रहा था लेकिन उसे कुछ नहीं मिला, है ना, और ये चीज वास्तव में दुखद था। हिज एंट्री वाज स्लाइड्स ऑफ फ्रॉग टिश्यूज विच ही शोड अंडर ए माइक्रोस्कोप। वह जो एंट्री था उसने एक मेढक के टिश्यू को, टिश्यू मतलब होता है उत्तक, उत्तक किससे बनता है, कोशिका से, माने सेल से टिश्यू बनता है, कोशिका से उत्तक बनता है, ठीक है। तो उसका वो प्रदर्शन किए थे माइक्रोस्कोप के सहायता से, माइक्रोस्कोप में वो दिखाना, माइक्रोस्कोप में वो दिखा रहे थे उसके टिश्यू को। ही रियलाइज द विनर्स हैड ट्राइड टू डू रियल एक्सपेरिमेंट्स नॉट सिंपली मेक ए नीट डिस्प्ले। उनको ये समझ में आया कि जो विनर थे उस साइंस फेयर के, जो वास्तव में विनर थे, उन्होंने वास्तव में कुछ प्रयोग किया और कुछ जाना, ऐसा नहीं कि सिर्फ दिखा दिया कि हाँ ऐसा होता है, केवल उसका मॉडल नहीं बनाया, वास्तव में प्रयोग करके दिखाया, सच में मतलब ऐसा होता है, रियल एक्सपेरिमेंट किया। ऑलरेडी द कॉम्पिटिटिव स्पिरिट दैट ड्राइव्स रिचर्ड एब्राइट वॉज अपीयरिंग। आई न्यू दैट फॉर द नेक्स्ट ईयर्स फेयर आई वुड हैव टू डू ए रियल एक्सपेरिमेंट, ही सेड। उसने कहा कि उसके अंदर उसकी आत्मा तो पहले से कॉम्पिटिटिव थी, प्रयोग के लिए उत्तेजित पहले से थी। कॉम्पिटिटिव स्पिरिट दैट ड्राइव्स रिचर्ड एब्राइट वॉज अपीयरिंग। आई न्यू दैट फॉर द नेक्स्ट ईयर्स फेयर, कि अगले साल का जो फेयर होगा, अगले साल जो नेक्स्ट फेयर होगा, आई वुड हैव टू डू ए रियल एक्सपेरिमेंट, कि मुझे वास्तव में कोई प्रयोग करना होगा, है ना, ऐसा उन्होंने कहा। द सब्जेक्ट आई न्यू मोस्ट, और वह सब्जेक्ट, उस विषय पर जिस विषय को मैं सबसे अधिक जानता हूँ, मतलब है कि जो सब्जेक्ट उसका बेस्ट था, द सब्जेक्ट आई न्यू मोस्ट अबाउट वाज द इंसेक्ट वर्क आई वुड बीन डूइंग इन द पास्ट सेवरल ईयर्स, आई हैड बीन डूइंग इन द पास्ट सेवरल ईयर्स। कि जो सबसे अधिक वो जानता था, किसके बारे में जानता था, इंसेक्ट के बारे में, मतलब कीट पतंग के बारे में, तो बटरफ्लाई भी एक कीट पतंग ही है, है ना। और उसके बारे में देखो, यहाँ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया गया है, आई हैड बीन डूइंग इन द पास्ट सेवरल ईयर्स, कि मैं पिछले कई वर्षों से, सेवरल मतलब होता है कई, पिछले कई वर्षों से
मैं उस पर काम कर रहा था। क्या देखा कि अगला जो है साइंस फेयर होगा उसमें हमको वास्तव में कोई ना कोई रियल एक्सपेरिमेंट करना होगा। सो ही रोड टू डॉक्टर अर्कहार्ट, इसलिए उसने डॉक्टर अर्कहार्ट जो शुरू में बताया था, जिसका बुक वो पढ़ा था है ना, उसको लिखा, मतलब उसको पत्र लिखे हुए फॉर आइडियाज की विचार के लिए, एंड बैक केम ए स्टैक ऑफ सजेशंस फॉर एक्सपेरिमेंट्स, और बहुत सारा सजेशन के रूप में उनको वापस पत्र मिला कि बहुत सारा प्रयोग करना है। दोज केप्ट एब्राइट बिजी ऑल थ्रू हाई स्कूल, और इतना एक्सपेरिमेंट के बारे में उनको बताया गया था कि वो पूरा हाई स्कूल में, ठीक है, हाई स्कूल तक जो है उनको बिजी रखा है ना, मैंने देख ली, दो साल तक पूरा व्यस्त रहे, मैंने इतना ज्यादा प्रयोग के बारे में उनको लिखा गया था। एंड लेड टू प्राइज प्रोजेक्ट्स इन काउंटी एंड इंटरनेशनल साइंस, जो कि लोकल स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय प्राइज मतलब साइंस फेयर तक वो ले गया, उनका जो प्रयोग है अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान मेले तक गया। फॉर हिज एट्थ ग्रेड प्रोजेक्ट, आठवीं कक्षा के प्रोजेक्ट में एब्राइट ट्राइड टू फाइंड द काउज ऑफ ए वायरल डिजीज दैट किल्स नियरली ऑल मोनार्क कैटरपिलर एवरी फ्यू ईयर्स, कि उन्होंने यह जानने का प्रयास किया था कि जो कैटरपिलर्स है वो प्रत्येक साल इतना क्यों मरते हैं, ठीक है, कैटरपिलर बटरफ्लाई का ही ये है ना, तो मोनार्क कैटरपिलर जो है इतना ज्यादा क्यों मरते हैं, और उसके पीछे कौन सा वायरल डिजीज है, जैसे अभी कोविड जो चल रहा है कोरोना, ठीक है, वो भी क्या है, वायरल डिजीज है, वायरस से होने वाला डिजीज है, तो उसी तरह वो किस वायरल डिजीज से मर रहा है इस पर वो प्रयोग किए थे। एब्राइट थाउट द डिजीज माइट बी कैरिड बाई ए बीटल, और एब्राइट का सोचना था कि एक बीटल के द्वारा जो है वो वायरस आता है उसी के द्वारा फैलाया गया है। ही ट्राइड रेजिंग कैटरपिलर्स इन द प्रेजेंस ऑफ बीटल्स, उसने बीटल्स के उपस्थिति में प्रयोग करने का सोचा कि हम उसको उसके साथ इसका प्रयोग करते हैं उसकी उपस्थिति में। I didn't get any real results, he said. उसने कहा लेकिन मुझे वास्तव में कोई परिणाम नहीं मिला, कोई रिजल्ट उस प्रयोग का नहीं मिला। But I went ahead and showed that, लेकिन मैं इसके आगे गया और दिखाया, मतलब लोगों को दर्शाया, आपने प्रयोग में दिखाया, सिद्ध किया, क्या सिद्ध किया, I had tried the experiment, कि मैंने एक्सपेरिमेंट प्रयोग के लिए प्रयास किया, This time I, और इस बार मैं जीत गया, on मतलब क्या होता है, win on, win first रूप है ना। Next year his science fair project was testing the theory that viceroy butterflies copy monarchs, अगले साल उसने यह प्रयोग किया कि जो viceroy butterfly है वो monarch का copy करता है। The theory was that viceroy looks like monarch, कि viceroy जो है monarch के जैसा दिखता है, because monarchs don't taste good to birds, मैंने viceroy क्या चाहता है कि monarch जैसा हम दिखें है ना, इसलिए वो changing लाता है अपना शरीर में, monarch तितली जैसा वो बनना चाहता है ना, क्यों, क्योंकि मोनार्क तितली को पंछी कम पसंद करता है, वो कम टेस्ट लगता है ना, और वायसराय को ज्यादा पसंद करता है, तो वायसराय से जो है बनना चाहता है मोनार्क ताकि हमको नहीं खाए। वायसराय ऑन द अदर हैंड डू टेस्ट गुड टू बर्ड्स, वायसराय ऑन द अदर हैंड डू टेस्ट, मैंने वायसराय जो है बहुत ज्यादा टेस्ट लगता है बर्ड्स को है ना,
सो द मोर दे लुक लाइक मोनार्क, इसलिए वे लोग चाहते हैं कि वो मोनार्क के जैसे दिखे। लेस लाइकली दे आर टू बी बिकम ए बर्ड्स डिनर, ताकि बर्ड का डिनर नहीं बने, पंछियों का डिनर नहीं बने। एब्राइट प्रोजेक्ट वाज टू सी वेदर इन फैक्ट, एब्राइट का जो प्रोजेक्ट था वास्तव में वाज टू सी वेदर इन फैक्ट बर्ड्स वुड ईट मोनार्क, यह दिखाने के लिए कि क्या पंछी मोनार्क को खाते हैं, मोनार्क तितलियों को खाते हैं, यह दर्शाने के लिए था। He found that ये स्टारलिंग वुड नॉट ईट ऑर्डिनरी बर्ड फूड, उसने पाया कि एक साधारण पंछी जो है उसको नहीं खाता है। ईट वुड ईट ऑल द मोनार्क्स इट कुड गेट, लेकिन एक दूसरा है जो कि जितना उसको जितना मोनार्क मिलता है सब खा जाता है, मतलब वो भी उससे भी बचने वाला नहीं है। एब्राइट सेड लेटर रिसर्च बाय अदर पीपुल शोड द वायसराइज प्रोबेबली डू कॉपी द मोनार्क, अंत में बाद में ये प्रयोग से सिद्ध हुआ कि वायसराय जो है कॉपी करता है मोनार्क का। दिस प्रोजेक्ट वाज प्लेस्ड फर्स्ट इन जूलॉजी डिवीजन, और यह प्रयोग जो है जूलॉजी मतलब जीव विज्ञान के क्षेत्र में फर्स्ट प्राइज लाया है ना। जूलॉजी बायोलॉजी का दो हिस्सा बाद में हो जाता है, जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी मतलब जीव विज्ञान जिसमें जीव जंतु का अध्ययन होता है, और बॉटनी मतलब पेड़ पौधा वाला है ना। दिस प्रोजेक्ट वॉज प्लेस्ड फर्स्ट इन जूलॉजी डिविजन एंड थर्ड ओवर ऑल इन द 20 साइंस फेयर, और पूरा उस साइंस फेयर में अगर सब चीज मिला के देखा जाए तो तीसरा स्थान था, लेकिन जूलॉजी डिपार्टमेंट का मैंने अपना विभाग में फर्स्ट। सेकेंड ईयर इन हाई स्कूल के सेकेंड ईयर में, ठीक है, रिचर्ड एब्राइट बिगेन टू रिसर्च दैट लेड टू हिज डिस्कवरी ऑफ एन अननाउन इंसेक्ट हार्मोन, उसने एक अदृश्य अनजान इंसेक्ट हार्मोन पर स्टडी करना शुरू कर दिया। इनडायरेक्टली इट ऑल्सो लेड टू हिज न्यू थ्योरी ऑन द लाइफ ऑफ सेल्स, अप्रत्यक्ष रूप से यह कोशिकाओं के जीवन के नए सिद्धांत से जुड़ा हुआ था। वो स्टडी कर रहा था किसका, सेल का लाइफ का, कि सेल का लाइफ कैसे चलता है, क्या होता है, तो उसमें भी वो सहायक था। द क्वेश्चन ही ट्राई टू एंसर वाज, वह इस प्रश्न का उत्तर देना चाहता था, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द 12 टीनी गोल्ड स्पॉट्स ऑन ए मोनार्क पीपल, कि वाट इज द पर्पस ऑफ टीनी गोल्ड, ये 12 ठो जो सुनहला गोल्ड मैंने गोल्ड कलर का जो दाग होता है तितली में देखा होगा, ऐसे गोल गोल बहुत धब्बा रहता है, ठीक है, तो वो क्यों होता है, वाट इज द पर्पस, क्या उद्देश्य है उसका। द 12 टीनी गोल्ड स्पॉट्स ऑन द मोनार्क प्यूपा, एवरीवन अज्यूम्ड द स्पॉट्स वेयर जस्ट ऑर्नामेंटल, हर कोई ये चाहता था जानता था कि उसको श्रृंगार के लिए है, वैसे गुल्लो का माने शोभा है। एब्राइट से एब्राइट ने कहा बट डॉक्टर अर्कहार्ट डिडंट बिलीव इट, लेकिन डॉक्टर अर्कहार्ट ने ये विश्वास नहीं किया। टू फाइंड द आंसर, इसका उत्तर जानने के लिए एब्राइट एंड अनदर एक्सेलेंट साइंस स्टूडेंट, एब्राइट और भी जो साइंस में तेज स्टूडेंट थे, साइंस में और भी तेज स्टूडेंट थे, फर्स्ट हैड टू बिल्ड ए डिवाइस, सबसे पहले एक उल्लो को अंत्र बनाना पड़ा, एक मशीन बनाना पड़ा, दैट शोड दैट द स्पॉट्स वेयर प्रोड्यूसिंग ए हार्मोन, जो ये सिद्ध किया कि जो दाग है ना, जो धब्बा दिखता है, उससे एक हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा है, एक हार्मोन निकल रहा है। हमारे शरीर में कई तरह के हार्मोन्स होते हैं, पता है ना, जो अलग अलग चीज के लिए सहायक है, कोई हमारे वृद्धि के लिए सहायक है,
कोई हमारे स्मृति के लिए सहायक है, कोई हमारे पाचन के लिए सहायक है ना। तो वो जो स्पॉट है बटरफ्लाई में, ठीक है, तो उससे एक हार्मोन निकल रहा है नेसेसरी फॉर द बटरफ्लाई फुल डेवलपमेंट, जो कि बटरफ्लाई के पूर्ण विकास के लिए, फुल डेवलपमेंट मतलब पूर्ण, फुल मतलब क्या पूर्ण, और डेवलपमेंट मतलब विकास, तो पूर्ण विकास के लिए जरूरी है। दिस प्रोजेक्ट ऑन ए ब्राइट फर्स्ट प्लेस इन द काउंटी फेयर, और इस प्रोजेक्ट को स्थानीय स्तर पर जो है प्रथम पुरस्कार मिला, प्रथम स्थान मिला, फर्स्ट प्लेस, एंट्री इनटू द इंटरनेशनल साइंस, और इसी से उनको अंतरराष्ट्रीय विज्ञान में प्रवेश मिल गया, एंड इंजीनियरिंग फेयर, और इंजीनियरिंग के मेले में भी उनका प्रवेश हो गया। देयर ही ऑन थर्ड प्लेस फॉर जूलॉजी, वहां उन्होंने जूलॉजी के लिए तीसरा पुरस्कार जीता। देयर ही ऑन थर्ड प्लेस फॉर जूलॉजी, ही ऑल्सो गोट ए चांस टू वर्क ड्यूरिंग द समर एट द एंटोमोलॉजी लेबोरेटरी ऑफ द वाल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च। छुट्टी के समय में, समर का छुट्टी था गर्मी दिन का, तो उस समय उसको मौका मिला मैंने परमाणु विज्ञान के अध्ययन में, एंटोमोलॉजी लेबोरेटरी ऑफ द वाल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च, इंस्टीट्यूट का नाम है, संस्था का नाम है, उसमें उसको मौका मिला रिसर्च करने का। एज ए हाई स्कूल जूनियर के रूप में रिचर्ड एब्राइट कंटिन्यूड हिज एडवांस्ड एक्सपेरिमेंट ऑन द मोनार्क प्यूपा, मोनार्क प्यूपा पर वह स्टडी अपना जारी ही रखा, छोड़ा नहीं। दैट ईयर हिज प्रोजेक्ट ऑन फर्स्ट प्लेस एट द इंटरनेशनल साइंस फेयर, उस साल अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान मेले में उसको प्रथम पुरस्कार मिला। दैट ईयर हिज प्रोजेक्ट ऑन फर्स्ट प्लेस इंटरनेशनल साइंस फेयर एंड गेव हिम अनदर चांस टू वर्क इन द आर्मी लेबोरेटरी ड्यूरिंग द समर, और इससे उसको एक और मौका मिल गया कि उस आर्मी का जो लेबोरेटरी था उसमें फिर से जाके वो अपना प्रयोग कर सकते हैं। इन हिज सीनियर ईयर, अपने सीनियर ईयर में ही वेंट ए स्टेप फर्दर, एक कदम और आगे बढ़े। ही ग्रीव सेल्स फ्रॉम ए मोनार्क्स विंग, उन्होंने एक मोनार्क के पंख से सेल विकसित किया। इन ए कल्चर एंड शोर दैट, और सिद्ध किया कि द सेल्स वुड डिवाइड एंड डेवलप इंटू नॉर्मल बटरफ्लाई विंग स्केल्स ओनली इफ दे वेयर फेड द हार्मोन फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट्स, और ये सिद्ध कर दिया कि यदि गोल्ड स्पॉट से उसको हार्मोन मिलता है, किसको, बटरफ्लाई को, तभी वो पूर्ण विकसित हो सकता है। दैट प्रोजेक्ट ऑन फर्स्ट प्लेस फॉर जूलॉजी एट द इंटरनेशनल फेयर, तो उसमें इंटरनेशनल फेयर में जूलॉजी में प्रथम पुरस्कार उसको मिला। ही स्पेंट द समर आफ्टर ग्रेजुएशन डूइंग फर्दर वर्क एट द आर्मी लेबोरेटरी, अपना ग्रेजुएशन के बाद गर्मी के दिन में जो है उन्होंने फिर से आर्मी लेबोरेटरी में अपना समय बिताया, ऑफ द कहाँ, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, है ना। द फॉलोइंग समर, आने वाले गर्मी के दिन में, आफ्टर हिज फ्रेशमैन ईयर एट द हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का प्रथम ईयर था उसका, पहला साल था, एब्राइट वेंट बैक टू द लेबोरेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, तो फिर से वो कृषि विभाग में चला गया, एंड डिड मोर वर्क ऑन द हार्मोन फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट, और गोल्ड स्पॉट के बारे में और भी वो अध्ययन करने लगा, जो दाग के बारे में पता लगा रहा था वो भी गहराई से अध्ययन उसमें करने लगा। यूजिंग द लेबोरेटरी सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट, और वहाँ लेबोरेटरी में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट थे, मतलब औजार थे, ठीक है, किसको भी चीज का अध्ययन करने के लिए क्या चाहिए, औजार चाहिए, मानो सूक्ष्म जीव का अध्ययन कर रहा है तो हमको माइक्रोस्कोप चाहिए, है ना, या और भी बहुत सारा चीज हो सकता है। ही वॉज एबल टू आइडेंटिफाई द हार्मोन्स केमिकल स्ट्रक्चर, और वह जो है सफल हो गए कि जो हार्मोन, पहले तो ये पता लगाए थे कि किसी हार्मोन के कारण होता है, अब ये पता लगा लिए कि उस हार्मोन का स्ट्रक्चर कैसा है, माने कैसे वो बनता है, जैसे हम लोग
मीथेन का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, ब्यूटेन का पढ़ते हैं, एल्काइन एल्कीन स्ट्रक्चर पढ़ते हैं कि नहीं? उसी तरह उस जो केमिकल बन रहा है जिसे पानी का कहेगा तो H2O होता है, उसी तरह ब्लीचिंग पाउडर का सबका अलग अलग होता है, तो जो हार्मोन निकल रहा है उसका भी तो कोई स्ट्रक्चर होगा, बनावट होगा कि किस तरह से बनता है, तो उसका खोज उन्होंने किया। ये ईयर एंड ये हाफ लेटर मैंने लगभग 1.5 साल बाद ड्यूरिंग हिज जूनियर ईयर, उनके अपने जूनियर मैंने साल के दौरान एब्राइट गॉट द आइडिया फॉर हिज न्यू थ्योरी अबाउट सेल लाइफ, कोशिका के जीवन के बारे में एक नया विचार उसके मन में आया। इट केम वाइल ही वॉज लुकिंग एट एक्सरे फोटोज ऑफ द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ ए हार्मोन, हार्मोन के केमिकल स्ट्रक्चर का वो एक्सरे फोटो देख रहा था, उसका एक्सरे निकालता था, जिसे हम लोग का हाथ पर कुछ होता है तो एक्सरे निकालते हैं हम लोग, तो हार्मोन का एक्सरे निकालता था, वो उस फोटो को देख रहा था, एक्सरे फोटो को, तो उसको कुछ समझ में आया। When he saw those photos, जब उन्होंने वे फोटो देखे, Abright didn't sort Eruca or even I have got it, माने वो अपना भाषा में बोला क्या, यूरेका, यूरेका है ना उसका भाषा, यूरेका माने I have got it, माने मुझे मिल गया, मैं जो चाहता था मुझे मिल गया। बहुत दिन से स्टडी कर रहा था, उसको कुछ दिख गया, समझ में आ गया कि ये वही चीज है जिसे मैं ढूंढ रहा था। बट ही बिलीव दैट, लेकिन वह विश्वास करता था कि अलोंग विथ हिज फाइंडिंग्स, माने उसके जो भी मिला है उसको, अबाउट इंसेक्ट्स हार्मोन, इंसेक्ट हार्मोन के बारे में, द फोटोज गेव हिम द आंसर टू वन ऑफ द बायोलॉजिस्ट पजल, कि जीव विज्ञान के एक पहेली का उत्तर दे रहा था उसका फोटो। जीव विज्ञान में एक पहेली था, पहेली मतलब कहने का था एक सवाल ऐसा था जो उसका जवाब नहीं मिल रहा था, उस फोटो को देख करके वो जवाब मिल गया। हाउ द सेल कैन रीड द ब्लूप्रिंट ऑफ इट्स डीएनए, कि कोशिका जो है अपने डीएनए का ब्लूप्रिंट कैसे रीड करता है, ब्लूप्रिंट मतलब ब्लूप्रिंट उसे कहते हैं माने वह आधार जिसके आधार पर कोई भी काम, जैसे अगर हमको बहुत बड़ा घर बनाना है तो हम लोग क्या करते हैं उसका मैप बनाते हैं, नक्शा बनाते हैं, है ना, तो नक्शा बनाते हैं वो हो गया उसका ब्लूप्रिंट। जैसे अभी तुम लोग का एग्जाम में बाकी है 6 महीना या 5 महीना, उसका एक टाइम कैलकुलेट किया, 6 महीना में दुर्गा पूजा 5 दिन, छठ 5 दिन, दिवाली 2 दिन, है ना, सब माइनस कर दो, मान लो 2 महीना छुट्टी, तो कुल मिला के 60 दिन हो गया छुट्टी, या तो 45 दिन छुट्टी, तो कितना बचा, 180 दिन में 45 दिन गया, तो बचा 135 दिन, तो उसमें मान लो 5 दिन हो सकता है तबीयत खराब हो जाए, बचा 130 दिन, 130 दिन सब्जेक्ट कितना है, 6, किसमें कहाँ तक पढ़ना है वो तुम पूरा कैलकुलेट करेगा कि हाँ इसमें इतना पढ़ना होगा, इतना टाइम देना पड़ेगा, इसको इतना बार रिविजन करना है, हाँ मेरा मैथ ठीक है, मेरा मैथ में मान लो किसी का एलजेब्रा ठीक है, किसी का ज्योग्राफी बोलते ज्योमेट्री ठीक है ना, या तो इंग्लिश में, हाँ मेरा इंग्लिश तो ठीक है, इंग्लिश में उतना ध्यान नहीं देना है, किसी का साइंस ठीक है, साइंस में ध्यान नहीं देना है, हमें इंग्लिश को ज़्यादा पढ़ना है, वो जो तुम अपना नक्शा बनाया, अपना पूरा प्लानिंग किया, वो हो गया ब्लूप्रिंट, है ना, माने एक खाका, एक आधार, समझ गया ब्लूप्रिंट क्या है, हर चीज का ब्लूप्रिंट होता है, पहले ब्लूप्रिंट ही बनाया जाता है तब कोई काम होता है ना। कई बार हम जानते नहीं कि ब्लूप्रिंट बना हुआ है, हम लोग सुबह उठते हैं, कुली करते हैं, ब्रश करते हैं, उसके बाद कुछ खाते हैं, नहाते हैं, तो एक क्या है, एक ब्लूप्रिंट चला आ रहा है बहुत पहले से, इसके हम लोग कॉपी कर रहे हैं, लेकिन वो बना है ना, तो हमें पता हो या नहीं हो लेकिन हर चीज का ब्लूप्रिंट होता है, ठीक है। तो उसको क्या पता चला है कि कोशिकाएं जो है, कोशिकाएं अपने डीएनए का ब्लूप्रिंट कैसे रीड करती है ना, रीड द ब्लूप्रिंट ऑफ इट्स डीएनए, डीएनए इज द सब्सटेंस इन द न्यूक्लियस ऑफ ए सेल दैट कंटेन्स हेरिडिटी, और डीएनए क्या है, डीएनए ही वह चीज है, पदार्थ है जो कहो जिसके कारण आनुवंशिकता आता है, आनुवंशिकता मतलब क्या होता है,
माता पिता का गुण बच्चों में मिलता है, उसी को कहते हैं क्या? अनुवंशिकता। अनुवंशिकता कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? डीएनए। इट डिटरमाइंस द फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ द सेल। और यह जो है किसी कोशिका की व्याख्या भी करता है और उसको प्राप्त भी करता है। दस डीएनए इज द ब्लूप्रिंट फॉर लाइफ। इसलिए डीएनए ही जो है जीवन का ब्लूप्रिंट है। नेक्स्ट पैराग्राफ। बुक है ना सामने। एब्राइट एंड हिज कॉलेज रूममेट जेम्स आर ओंग। एब्राइट और उसका कॉलेज का रूम पार्टनर था जेम्स आर ओंग। वर्ड ऑल दैट नाइट। पूरा रात भर वो लोग काम किया था। ड्रॉइंग पिक्चर्स और तस्वीर बना रहा था। एंड कंस्ट्रक्टिंग प्लास्टिक मॉडल्स और प्लास्टिक का मॉडल बना रहा था। किसका? मॉडल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, अणुओं का। टू शो हाउ इट कुड हैपन, यह कैसे हो सकता था, कैसे होता है, इसको सिद्ध करने के लिए लोग मॉडल बना रहा था। टुगेदर दे लेटर रोट द पेपर दैट एक्सप्लेन द थ्योरी। दोनों साथ में मिलकर वो थ्योरी लिखे जिससे पता चलता था कि वो घटना कैसे होती है, क्या होता है। सरप्राइजिंग नो वन हु न्यू हिम, रिचर्ड एब्राइट ग्रेजुएटेड फ्रॉम हार्वर्ड विथ हाईएस्ट ऑनर्स। कोई नहीं जानता था कि रिचर्ड एब्राइट जो है बिल्कुल हाईएस्ट मार्क्स से, माने सबसे अधिक अंक से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जो है ग्रेजुएट किया था। सेकेंड इन हिज क्लास ऑफ, कितना संख्या दिया है, 1510। एब्राइट वेंट टू बिकम ए ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्चर एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल। वो ग्रेजुएट का स्टूडेंट माने रिसर्चर एट माने उस स्कूल में एक रिसर्चर के तौर पर, रिसर्च करने वाले के रूप में वो गया था हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में। देयर ही बिगेन डूइंग एक्सपेरिमेंट्स टू टेस्ट हिज थ्योरी, जहां वह अपना थ्योरी, जो थ्योरी लिखा था उस पर टेस्ट करना शुरू कर दिया। इफ द थ्योरी प्रूव्स करेक्ट, यदि वो थ्योरी करेक्ट प्रूफ हो जाता, इट विल बी ए बिग स्टेप टुवार्ड्स अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ लाइफ। तो जीवन के प्रक्रिया को समझने में यह एक बहुत बड़ा स्टेप होता, बहुत बड़ा कदम होता। स्टेप मीन्स क्या बताए? कदम। इट माइट ऑल्सो, लाइट दिला दो। इट माइट ऑल्सो लीड टू न्यू आइडियाज फॉर प्रिवेंटिंग सम टाइप्स ऑफ कैंसर एंड अदर डिजीज। और इससे कैंसर और कुछ अन्य रोगों का इलाज करने में भी सुविधा होती है, उसके रोकने में, परहेज करने में। ऑल ऑफ दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ एब्राइट्स साइंटिफिक क्यूरियोसिटी। और ये सारा चीज संभव है क्योंकि एब्राइट का जो वैज्ञानिक जिज्ञासा था उसके कारण से ये सारा चीज संभव हुआ। हिज हाई स्कूल रिसर्च इनटू द पर्पस ऑफ स्पोर्ट्स ऑन ए मोनार्क प्यूपा इवेंचुअली लेड हिम टू हिज थ्योरी अबाउट सेल लाइफ। हाई स्कूल में जो सोचता था कि वो दाग क्यों है उन सब पर, बटरफ्लाई में ये सुनहला दाग धब्बा क्यों है, उसका वो रिसर्च करते करते अब ये रिसर्च करने लगा था कि जीवन सेल लाइफ मतलब कोशिका के जीवन के बारे में वो अध्ययन करने लगा था। मतलब मॉलिक्यूलर में चला गया, आणविक विज्ञान में चला गया। रिचर्ड एब्राइट हैज बीन इंटरेस्टेड इन साइंस सिंस हिज फर्स्ट बिगेन कलेक्टिंग बटरफ्लाइज।
विज्ञान में उसका रुचि तभी से था जब से वह बटरफ्लाई कलेक्ट करता था, बट नॉट सो डीपली, लेकिन वह उतना गहरा उसमें नहीं था। दैट ही हैजंट टाइम फॉर अदर इंटरेस्ट, लेकिन दूसरा इंटरेस्ट इतना था, बट नॉट सो डीपली दैट ही हैजंट टाइम फॉर अदर, उसके पास दूसरा इंटरेस्ट के लिए समय भी नहीं था। एब्रेट ऑल्सो बिकेम ए चैंपियन डिबेटर एंड पब्लिक स्पीकर। बाबा चैंपियन डिबेटर एंड पब्लिक, डिबेट में जानता है तर्क करने वाला, तर्क वितर्क करने वाला, किसी विषय वस्तु पर तर्क करने वाला, उसका भी चैंपियन बने और पब्लिक स्पीकर, माने लोगों के सामने कुछ व्याख्यान देना हो, कुछ भाषण देना हो तो उसके लिए भी वो चैंपियन बने। एंड ए गुड कैनोइस्ट एंड ऑल राउंड आउटडोर्स पर्सन, और बाहरी दुनिया में बाहरी कार्य जितना होता है ना उसमें ऑलराउंडर थे। ही इज ऑल्सो एन एक्सपर्ट फोटोग्राफर, वह एक एक्सपर्ट फोटोग्राफर भी थे, पार्टिकुलरली ऑफ नेचर एंड साइंटिफिक एग्जिबिस्ट, खास करके जो है नेचर का फोटो खींचते थे वो, और साइंस का वही फेयर लगता था तो प्रदर्शनी इसको कहते हैं, साइंस का मैं विज्ञान प्रदर्शनी का वो सब का फोटो खींचना उनका रुचि था। इन हाई स्कूल रिचर्ड एब्राइट वाज ए स्ट्रेट ए स्टूडेंट, हाई स्कूल में वो एक बिल्कुल सीधा साधा स्टूडेंट थे। बिकॉज लर्निंग वाज इजी, क्योंकि सीखना बहुत आसान था। ही टर्न ए लॉट ऑफ हिज एनर्जी टुवार्ड्स द डिबेटिंग एंड मॉडल यूनाइटेड नेशंस क्लब, और उसने अपना अधिकांश समय जो है और अपना एनर्जी जो है वो उन्होंने लगाया डिबेट करने में। मॉडल यूनाइटेड नेशंस क्लब मतलब एक संस्था है, और वहाँ वो डिबेट करने में बहुत ज़्यादा एनर्जी लगाए। ही ऑल्सो फाउंड समवन टू एडमायर रिचर्ड ए बैरियर हिज सोशल स्टडीज टीचर एंड एडवाइजर टू बोथ क्लब्स, जहाँ उनको एक टीचर भी मिल गया और सलाह देने वाला भी उनके साथ में मिल गया। मिस्टर वेरर वाज द परफेक्ट पर्सन फॉर मी देन, और उसके बाद जो है मिस्टर वेरर जो है उसके लिए एक परफेक्ट व्यक्ति थी। ही ओपेंड माई माइंड टू न्यू आइडियाज, एब्राइट से एब्राइट ने कहा, वो कहते थे कि उन्होंने ही ओपेंड माई माइंड टू न्यू आइडियाज, कि मेरे मस्तिष्क में नए विचार बिल्कुल देते थे, मतलब नए विचारों की दुनिया उन्होंने खोल दिया उनके लिए। रिचर्ड वुड ऑलवेज गिव दैट एक्स्ट्रा एफर्ट, रिचर्ड हमेशा वो अतिरिक्त प्रयास करेगा। मिस्टर वेरर सेड, मिस्टर वेरर कहते थे, व्हाट प्लीज्ड मी वाज, जो मुझे पसंद था, हियर वाज दिस पर्सन हु पुट इन देयर और 4 hours एट नाइट, 4 घंटे तक रात में डिबेट करते रहते, डूइंग डिबेट रिसर्च बिसाइड्स डूइंग ऑल हिज रिसर्च विथ बटरफ्लाइज एंड हिज अदर इंटरेस्ट, कि अपने अन्य रुचि और बटरफ्लाई के बारे में वो 4 घंटे तक बात करते रहते थे। रिचर्ड वाज कम्पिटिटिव, रिचर्ड जो है वो कम्पिटिटिव था, मैंने एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करना, कंपटीशन करना। मिस्टर वेरर कंटिन्यूड, वो आगे बोले, बट नॉट इन ए बैड सेंस, लेकिन खराब अर्थ में नहीं, किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते थे। ही एक्सप्लेन, वह आगे बताया उन्होंने, रिचर्ड वाजंट इंटरेस्टेड इन विनिंग फॉर विनिंग सेक और विनिंग टू गेट ए प्राइज, मतलब रिचर्ड का ये मकसद नहीं होता था कि हम प्राइज जीते, माने अपना थ्योरी को सिद्ध करना उनका मकसद होता था, लेकिन ये नहीं कि हम प्राइज जीतने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। रेदर ही वाज विनिंग बिकॉज ही वांटेड टू डू
द बेस्ट जॉब ही कुड। वह इसलिए रिसर्च करते थे ताकि वो बेस्ट जॉब कर सके, मैंने कहने का था कि जो वो जानते थे जितना वो कर सकते थे वो अपना बेस्ट करना चाहते थे, अपना बेहतर वो देना चाहते थे। फॉर द राइट रीजन, सही कारणों के लिए, ही वॉन्ट्स टू बी द बेस्ट, कि वह सबसे अच्छा बनना चाहते थे, कि मेरे पास जो भी है उसको हम बेस्ट तरीके से दूसरे तक पहुंचा सके। एंड दैट इज वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स इन द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, और यही एक इंग्रेडिएंट्स है, मतलब सामग्री कहो या यही वो चीज है जिससे कोई वैज्ञानिक बनता है। जो भी उसके अंदर था वो अपना बेस्ट देने का प्रयास किया। स्टार्ट विथ ए फर्स्ट रेट माइंड एड क्यूरियोसिटी, मैंने फर्स्ट रेट माइंड के साथ स्टार्ट करना, अपना उत्सुकता को बनाए रखना, एंड मिक्स इन द विल, और अपनी इच्छा शक्ति को उसमें मिक्स कर देना, मिला देना, टू विन फॉर द राइट रीजन, सही कारणों के लिए, सही चीज के लिए जीतना। एब्राइट हैज दीज क्वालिटीज, और एब्राइट के पास ये सारे गुण हैं। फ्रॉम द टाइम द बुक द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क टेन का ट्रेवल्स का बुक पढ़े थे ना, वो उसी समय से ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम, उसके लिए विज्ञान की दुनिया खोल दी। रिचर्ड एब्राइट हैज नेवर लॉस्ट हिज साइंटिफिक क्यूरियोसिटी, रिचर्ड एब्राइट ने कभी भी अपने विज्ञान की उत्सुकता को नहीं खोया, जिज्ञासु जो था उनके अंदर जिज्ञासा था विज्ञान जानने का, वो कभी समाप्त नहीं हुआ। रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन ने इस कहानी को लिखा है, जो एक वैज्ञानिक की आत्मकथा थी, वैज्ञानिक की कथा थी, है ना।